हेलो एवरीवन, मीनास किचन में है आज पनीनी सैंडविच। फ्रेंड्स, रेगुलर सैंडविच खा के आप बोर हो गए हो ना, तो ये एकदम इजी और टेस्टी वाली सैंडविच आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए एक बॉल के अंदर मैंने येलो बेल पेपर लिया है 1/2 कप और 1 कप कैप्सिकम लिया है। इसको मैंने गणेश के चॉपर में चॉप करके लिया है। 1 कप ऑनियन लिया है, 1/2 कप टोमेटो लिया है जिसका बीज का पार्ट मैंने निकाल दिया है, 1 कप बॉयल कॉर्न लिया है, जूलियन कट करके 1 कप मैंने कैबेज ली है, 1 कप पनीर लिया है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाले वरना स्किप कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, एकदम कलरफुल दिख रहा है ना, तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब 1 कप मैंने चीज़ डाला है, चीज़ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं, हम आगे भी थोड़ा चीज़ डालने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर 1 कप मेयोनीज डाला है, ये फ्लेवरलेस मेयोनीज है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है 2 टीस्पून के करीब, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हो। 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है, 2 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाला है और 2 टीस्पून टोमेटो केचप डाला है। पिज़्ज़ा सॉस है तो डालिए, वरना आप इसके बदले चिली, रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस आप डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। फ्रेंड्स, पनीनी ब्रेड इस तरह से आती है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ले सकते हैं, वरना आप नॉर्मल ब्रेड के ऊपर भी बना सकते हो। कोई भी ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो या फिर वाइट ब्रेड हो, उसके ऊपर आप बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसको बीच में से मैं कट लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम एक ब्रेड की 4 स्लाइस करके तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर अच्छे से हम बटर लगा देंगे। ये बटर मेरा घर पे ही बना हुआ है, इसके लिए वाइट लग रहा है। और इसके बाद इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा देंगे जो नॉर्मल हम सैंडविच के लिए बनाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे सैंडविच के वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अभी जो हमने मिक्सर बनाया ना वेजिटेबल का, वो डाल देते हैं इसके ऊपर। तो दोनों सैंडविच हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे पहले, और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस डाल दीजिए, या फिर चीज़ स्लाइस नहीं हो तो आप चीज़ को भी ग्रेट करके उसके ऊपर डाल सकते हैं। अभी सामने का पार्ट है, उसके ऊपर भी हम चटनी लगा देंगे। और इसकी किनारी हम अच्छी तरह से देख के मिलाएंगे ताकि सेम कटा हुआ पार्ट है जो आमने सामने आए इस तरह से। अभी सैंडविच के ऊपर बटर लगा देते हैं। तो ये हमारी सैंडविच जो है वो ग्रिल होने के लिए तैयार हो गई है। अभी ग्रिल मशीन को मैंने ऑन कर दिया था, ये फुल गर्म हो गया है। इसके ऊपर हम बटर लगा देते हैं पहले। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप बटर के बदले घी लगा दो, एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। अभी सैंडविच को रख देते हैं और 3 मिनट के लिए इसको ग्रिल होने के लिए रख देते हैं। तो आपके पास अगर ग्रिल मशीन नहीं हो तो आप तवे के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। तो एकदम डिलीशियस, बच्चों को तो स्पेशली पसंद। इसको मैंने मेयोनीस और केचप के मिक्सचर के साथ परोसा है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। लव यू गाइस, बाय गाइस।